खिलाड़ियों के खिलाड़ी और देशभक्त इन दिनों अपनी आने वाली फिल्म पैडमैन को लेकर सुर्खियों में हैं। एक और जहां फिल्म की एक्ट्रेस राधिका आप्टे और सोनम कपूर स्कूल में सैनिटरी पैड बांटने में मशगूल हैं, वहीं अक्षय कुमार फिल्म के प्रमोशन में लगे हुए हैं। इसके लिए अक्षय कुमार हाल ही में दिल्ली विश्वविद्यालय पहुंचे, जहां वे वुमन मैराथन कार्यक्रम में शामिल हुए। यहां तक तो सब ठीक था, लेकिन अगले ही पल अक्षय कुमार ने बीजेपी के छात्र विंग अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का झंडा अपने हाथों में ले लिया। इस बात की पुष्टि स्वयं अक्षय कुमार ने ट्विटर से की है। इसके बारे में अक्षय कुमार ने तस्वीर साझा करते हुए ट्विटर के कैप्शन में लिखा है, ये लवली लेडीज महिला सशक्तिकरण और टैक्स फ्री सैनिटरी पैड के लिए दौड़ रही है। तस्वीर शेयर करने के बाद लोगों ने उनका जमकर ट्रोल किया। एक यूजर ने लिखा, भाई ने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ज्वाइन कर लिया है। इसके बाद अन्य यूजर ने लिखा, आदरणीय अक्षय कुमार जी, जिस प्रकार से आप बीजेपी का झंडा लहरा रहे हैं, क्या ये आपकी ओर से भविष्य में भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने का इशारा है? बता दे कि अक्षय कुमार मोदी सरकार के हिमायती रहे हैं। कई अवसर पर अक्षय कुमार को बीजेपी नेताओं के साथ देखा गया है और मोदी सरकार की योजनाओं को प्रोत्साहित करते देखा गया है। जब विनोद खन्ना की मृत्यु हुई थी तो ऐसी खबर आ रही थी कि शायद बीजेपी अक्षय कुमार को गुरदासपुर से टिकट दे सकती है, लेकिन अक्षय कुमार के भारतीय नागरिकता न होने की वजह से उन्हें टिकट नहीं दिया गया। अब देखना यह है कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का झंडा थामने के बाद बीजेपी अक्षय कुमार को क्या ओहदा देती है। तो ये थी इस वक्त की लेटेस्ट जानकारी। आपको यह जानकारी कैसी लगी आप हमें कमेंट करके बताएं। अगर अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल मोबाइल न्यूज 24 को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आपको इसी तरह की और खबरें देखने को मिल सके।